ए सनातन इधर तू क्या भाई, हर छोटी छोटी चीजें हैं पिताजी को पूछा करता है, हैं? अरे कौन से पुतले पे कौन सा हार या कौन से गहने पहनाने हैं तू मुझसे पूछा कर ना, हम भी तो मौजूद हैं मौका है वारदात पर। तेरा भी है ना कोलू के बैल की तरह बस एक ही जगह नजर टिकाए रखता है पिताजी पर। वो हमारे घर में कम है क्या कोलू का बैल जिसे एक ही चीज देखती है, खाना कैसे बनाए खाना कैसे बनाए। मैंने कहा तुम्हारा नाम उमेश नहीं उमा होना चाहिए था, सच में मैंने कितना समझाया उसे, बेटा देख एमबीए की पढ़ाई कर, मैनेजमेंट में पढ़ाई करके हमारे यहाँ बिजनेस में जान दिखा। लेकिन नहीं भाई साहब को तो वो क्या कहते हैं ढाबा खोलना है, ढाबा। इतने बड़े सुनार का बेटा बने यार क्या बावर्ची, नसीब हमारे और क्या। और ए खबरदार खबरदार जो तुम लोगों ने उसके बनाए खाने की तारीफ की, तुम्हारी तारीफों की वजह से ही तो उसके दिमाग का कीड़ा गरम हो चुका है भाई। अरे मुझे लगता है हमें उसकी शादी में दहेज लेने की जगह दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि दामाद जो ढूंढना पड़ेगा ना हमारी उम्मा के लिए। एक बात है उसके स्वयंवर में भीड़ बड़ी इकट्ठा होगी क्योंकि उमेश खाना जो इतना बढ़िया बनाता है। वैसे क्या पकाया था उसने? दाल पकौड़ी। कैसी बनी? अच्छी बनी है। एक काम कर तू तू गरम कर मैं आता हूँ। ऐसा तू तू मुझे एक बता कि मेरे नए जूते को तू एक एक के ऊपर दूसरा क्यों रख देता है? अरे मैं इतने चाव से नए जूते लेके आता हूँ और तू है कि उतने ही चाव से एक जूते की गंध दूसरे जूते पे लगा देता, क्यों भाई? नए जूते हैं एक साल तक तो नया रहने दे, समझा सनातन? सनातनपुर का एक एक जर्रा। तो डायलॉग दिलीप कुमार ने कहा था ना, ये क्या अंदाज थे उनके। हमारे अंदाज विश्व सबसे कम है क्या?